स्वागत है इस अपने YouTube चैनल डॉक्टर किजन केयर में। और भाई आपको शौक कराने के लिए मैं फिर से एक बार लोनी चला रहा हूँ, उस्ताद फरीद लोनी वाले। तो भाई ये शौक देख लो आप यहाँ पर, और जो इनके शौक जोड़ों का जो शौक कराऊंगा वो बहुत ही अच्छे लेवल पर। भाई अभी तक जो आपने ऐसे कबूतर मतलब मेरे YouTube चैनल पर नहीं देखे होंगे, कारतर नफ्ते देखे होंगे, इतने सारे नहीं देखे होंगे जो आज मैं आपको शौक कराने वाला हूँ, वो भी एंटीकाइस में। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखें और जो मज़ेदारी आपको नज़र आए उसको कमेंट्स में बयां करें। तो भाई मैं चला आया हूँ ऊपर और आप देख सकते हो यहाँ का, जैसे मैं आपको हमेशा व्यूज़ दिखाता हूँ, ये लोनी हनुमान मंदिर है यहाँ पर, ये बहुत ही करीब है इनका घर। और ये सारा व्यूज़ है आसपास का, जैसे मैं अक्सर आपको वीडियो में पहले दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ये सामने बाहर मेन रोड है, ये कमला देवी हॉस्पिटल। तो ये नियर अबाउट है, फरीद भाई से अगर कभी मुलाकात करनी हो, आना जाना हो, बात करनी हो तो आप आ सकते हो भाई, बात कर सकते हो तो इनसे भाई, फरीद भाई से। ये हमारे फरीद भाई जिनसे जिनके कबूतर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और फरीद भाई हम मेरी टीम की तरफ से, मेरे जितने व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको आदाब नमस्कार सलाम। वालेकुम अस्सलाम और सभी दोस्तों को मेरा सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। भाई फरीद भाई आपने छोटा सा शौक किया है और अनिल भाई के बारे में सुना, देखा हमारे एक दोस्त ने वीडियो बनवाई, मैंने कहा क्यों ना मैं भी अनिल भाई को बुला के एक वीडियो बना के लोगों को शौक कराने का काम करूं। भाई इस बात के लिए मैं बहुत ही आपका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं कि आपने मुझे याद किया और बुलाया। शौक को बढ़ावा देना ही मेरा काम है, लेकिन मैं शौक को इस तरह नहीं बढ़ाता कि लोग लड़ाइयाँ करें या बेईमानियाँ करें। मेरे शौक में तो ये है कि बस साफ़ सुथरा लोग आओ देखो और अपने शौक को साफ़ सुथरा करो। तो भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई के जोड़ों का जो आज अल्टीमेट होने वाला है, ठीक है फरीद भाई स्टार्ट करते हैं। तो भाई आंखों और चेहरों और मोहरों का शौक कराने से पहले मैं ओवरऑल आपको सारे दिखाने वाला हूं। बैठक देख लो इनकी, क्या ज़बरदस्त बैठक है और एक साथ इतने सारे कार्डदार। अब ऐसे ही शौकों को आगे लेके चलेंगे, अच्छे नस्लें आपसे तैयार करवाएंगे और जानेंगे इनसे कि भाई अच्छी नस्ल तैयार करने का क्या तरीका है, कैसे भाई आप लोग यहाँ तक पहुँचते हो, क्या करते हो, तो सब कुछ सीखेंगे इनसे आज। और भाई आप जो मुझे सपोर्ट करते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक से एक कबूतर लाइक डैट, बहुत अच्छे मज़ेदार आपको दिखाता हूँ, ये जूम करके दिखाता हूँ। बाबरे ये कलसरे के बरार में सफ़ेद छा, ये आप चेहरा देखो इसका, ये जो आगे को चला दो कदम, ये जो खुजा रहा है भाई आपका कबूतर है। तो अभी जो इनका शौक होने वाला ना दोस्तों, आप स्किप नहीं कर सकते और ना ही करना यार कभी मेरी बात को मुरार के क्या कर दे, ये तो कह रहा नहीं कर सकते। तो आप देखो एक से बढ़कर एक कबूतर है आज देखने वाले, गंडेदार कल परे कल में सफ़ा बदन के। ये मादिन देखो आप क्या गज़ब की है। जब तक भाई हमारे आ रहे एक फरहान भाई, तब तक आप ये शौक देखो, आप यकीन करो लाजवाब शौक बना के रखा फरीद भाई ने लोनी वाले। ये भी उस्ताद है अपने लोनी से, ये देख लो आप। आज जो इनका शौक कराने जा रहा हूँ ना, दिल खुश हो जाएगा, जो भाई इस कलर का दीवाना होगा बहुत ही खूबसूरत। ये देखो आप, तो इसे या तो हम आंध्रा लाइन कह सकते हैं या ये पूछ लेंगे भाई से क्या है, क्योंकि ये आंध्रा लाइन सा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जोड़ों का शौक कराने के करके। तो भाई शुरुआत कर दी है उसी जोड़े से जो मुझे बहुत ही डेंजरस और खूंखार लग रहा था नर, आप देख सकते हो स्क्रीन पर बहुत ही तगड़े लेवल का नर है। और ये हमारे भाई साथ जुड़ चुके हैं फरहान। फरहान भाई आपका शौक कब से चालू हुआ? ये शौक हो रहा है हमारे यहाँ 8 साल से। 8 साल से, तो कैसा लगता है आपको ये शौक? बहुत अच्छा, मतलब इससे ये तो नहीं कि बाहर जाके कहीं भिड़ना लड़ना कुछ नहीं? नहीं ऐसी कोई परेशानी नहीं है अपना। तो भाई ये देख लो मैं आपको शौक कराऊंगा पहले नर का, ठीक है? तो जिस नर की बात मैं भाई आपसे कर रहा था आप उसका शौक करो। ये देखो चेहरा गुलाबी डोरे मोमी चोच। और फरीद भाई बैक साइड से हमारे को सपोर्ट करेंगे। फरीद भाई ये जोड़ा भी घर का है या बाहर से आया था? बाहर से, लेकिन इसे काफ़ी समय मेरे घर में हो गया लग, तो 4 साल समथिंग। जी हाँ, क्या रिजल्ट रहा होगा भाई इसका? बहुत बेहतरीन रिजल्ट है जनाब, बच्चे तो, मैंने आपको दिखाए हैं इसके। हाँ बच्चे भी दिखाए थे जो लाल गंडों में हुए हैं, बहुत उपरत लाल गंडों के ही हैं दोनों माँ बाप। हाँ वो गंडे भी दिखाएंगे भाई, जितना कोशिश इनकी आंखों में घुस के कर सकता हूँ। ये देखो आप आँखों की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, परों की क्वालिटी मिलेगी, पंजों की मिलेगी और हड्डी जोड़ की क्वालिटी मिलेगी। इनकी हड्डी जोड़ मैंने चेक करी भाई वीडियो शूट करने से पहले, बिल्कुल बंद, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई। ये देख लो इसकी आंखें जहाँ तक जा सकते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे कबूतरों की आंखों का शौक भाई आदमी एंड तक करना चाहता है। तो इसी के साथ मैं आपको इसके ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देख सकते हो भाई इसके हल्के हल्के लाल गंडे, ये देख लो आप। और परों की क्वालिटी देखो आप, मैं आपको पर दिखाता हूँ इसके, ये देखो भाई वाह, एक से एक लाजवाब। इसके पंजे दिखा दो भाई आप,
पंजे की क्वालिटी देखो, जो नीले पंजे लोग ढूंढते हैं ना, ये देखो आप, ये वो पंजे हैं। लाजवाब पंजे। तो भाई फरीद भाई बता रहे थे इसको कि 4 साल हो गए और इसके बच्चे बने 2-4। हाँ ये बने तो निकले हुए हैं। अच्छा, तो इसकी मादिन का शौक कराते हैं। तो भाई ये देख लो इसकी मादिन पलके, भाई वाह, नर को पीछे छोड़ती है पलकों के मामले में, पीली डोरे हैं। और कहा जाता है भाई इन डोरों में ऑटोमेटिक बहुत अच्छी उड़ान होती है। अगर आप इस बात से एग्री हो तो भाई कमेंट्स में हाँ या ना में जवाब देना। पलके सारी उड़ती है लेकिन कहा जाता है कि ये ज़्यादा अच्छे उड़ते हैं। तो आप देख लो भाई ये शौक आपको कैसा लग रहा है। आज बहुत ही अल्टीमेट छत पे हूँ भाई, ये देखो इसकी आँखें जूम करता हूँ पकड़वा। तो भाई ये जूम में देख लो आप, क्या ही आँखें हैं यार, सिंदूरी आँखें हैं, वही आँखें जो अब तक आप देखते आए उड़ान के अंदर मामले में। इस आँखों का कोई तोड़ नहीं है, आँखें सारी उड़ती हैं। अभी मैं आपको एंटीगाइज दिखाऊंगा, वो भी बहुत अच्छे उड़ते हैं, जो लोग आजकल कह रहे कि नहीं उड़ रहे। अच्छी ब्लड लाइन हो तो उड़ जाएगा। ये इसके पर और ये इसकी पूंछ का बॉडी है, देखो पूंछ, ये पर है इसके, लाजवाब क्वालिटी है इस पर की। और अब खोलो इसका, अब आप इसके गंडे देखो, जो बच्चे थे ना वो भी लाजवाब थे। अभी वो भी शौक कराऊंगा मैं आपको बच्चों का। ये पर है इसके, पंजे दिखा दो भाई, राम भाई। तो पंजे देख लो भाई, पंजे क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, काले पंजे हैं इसके। और जो जोड़े भाई बनाए जाते हैं, ये पूछेंगे कि क्या देख के जोड़े बनाए जाते हैं, फरीद भाई को फ्रेम में लेता हूँ और पूछता हूँ। तो फरीद भाई बहुत से ना, जैसे हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, वो पूछते हैं कि भाई अच्छा जोड़ा कैसे लगाए। तो एक छोटी सी राय हमारे उन देखने वालों को, उन चाहने वालों को, कि क्या देखना चाहिए जोड़े लगाते वक्त। मैंने 8 साल में एक ही एक्सपीरियंस किया है इन कबूतरों के बारे में, मैंने बड़े चोटों से भी सुना, काफ़ी उस्ताद हैं और जो शौक कर रहे हैं। मुझे एहसास हुआ कि इन छोटे जोड़े बनाने के लिए कम से कम मादा का वजूद बहुत छोटा होना चाहिए, जोड़ बंद होने चाहिए, या थोड़े बहुत भी खुले हों चलेंगे, लेकिन नर की हड्डी पे हड्डी चढ़ी हो तो मज़ा कुछ और आएगा। मतलब जोड़े बच्चे भगेंगे नहीं फिर? बच्चे मैं तो अब तक यही देखा कि मेरे यहाँ का बच्चा इस बार जो निकला नहीं, वो घर के सिवा कहीं नहीं गया। वो आने की पूरी पूरी उम्मीद है, घर निकल गया। उम्मीद है जी, 7 दिन बाद 8 दिन बाद मेरे जोड़े का बच्चा घर आता। तो भाइयों आपने एक बात सीख ली फरीद भाई के साथ कि हम जोड़े का जो संतुलन बनाए वो कैसे बनाए, क्या होना चाहिए हड्डी जोड़ का मामला। एक भाई की कमेंट्स आई थी कि हड्डी जोड़ भी बताया करो भाई, तो ये हड्डी जोड़ को ही बताते हुए, उनकी कमेंट्स को याद रखते हुए मैंने ये बात पूछ ली कि जोड़ों में क्या देखना चाहिए। तो भाई आगे से जो आप जोड़े बनाओगे, खैर सारे ही खिलाड़ी अच्छे होते हैं, सभी के बच्चे उड़ते हैं, लेकिन एक अच्छे पेयर का बनाना वो बहुत कला वाली बात है। बदन का नाजुक होना बहुत जरूरी, मुलायम सॉफ्टनेस जी, देख लो भाई ये बच्चे उड़ाने हैं तो बदन बहुत नॉर्मल होना चाहिए, कबूतर का बिल्कुल मुलायम। देखो भाई फरीद भाई खुलकर बोल रहे हैं, ऐसे मेरी यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बोला है कि भाई ये कर लो या वो कर लो, हर बंदा चाहता अपने घर पे नस्ल तैयार हो जाए। तो आते हैं नेक्स्ट पेयर, और भाई देख लो हमने ये एक और जोड़ा मंगा लिया काटदार नफ्तों का, और इसमें जो नर है आप उसकी आँख देख के खुश हो जाओगे, अगर इस आँख के शौकीन हो तो मिला लो थोड़ा सा उनके ना, बस 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 अब आए ना लोग। ये देख लो भाई फरहान भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, और ये शौक के बारे में आपको सारी चीज़ें बताएंगे, कबूतर पकड़ के दिखाना भी एक कला है। तो आते हैं इनकी आंखों का शौक करने, पहले करते हैं नर का शौक। बड़ी मशक्क़त के बाद भाई ये देखो चेहरा, और भाई ने बनाना सीख लिया है। आप देखो आप इसकी एंटीगाइज कलकत्ताइज, ये जो येल्लो फेड है ना भाई, ये किसी किसी आँखों को इतना खूबसूरत बना देता है। आप उसकी ज़मीन देखो, सारी दानेदार कलकत्ताइज प्योर, और वो भी काटदार नफ्ते में। और ये इसका जो टेपर चेहरा है खुखार, ये जो ड्रैगन फेस हम लोग बोलते हैं, आज सब कुछ देख लो इस आँख में। और करीब चलते हैं इसके, थोड़ा सा इसे रोकते हुए मैं इसे अब आप इसकी आँखों का शौक करते रहो भाई। येल्लो डोरों में है और ये ब्रीडर कबूतर है। फरीद भाई इसको अपने पास कितना टाइम हो गया होगा? लगभग 4 साल। 4 साल तो ये कम से कम 4 साल में इनके कुछ तो बच्चे बनाओगे। क्या रिजल्ट है भाई, ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देख लो, इसके पंजे दिखा दो भाई, परंदे। ये देखो जी रिंग भी पड़ी हुई अपने घर के नंबरों की, जो एक नंबरों की रिंग डाल देते हैं हम लोग, और बहुत ही खूबसूरत रिंग है, कलर भी अच्छा है इसका। और ये पंजे देख लो 43। हाँ इसके एक बार पर खोल दो भाई, अगर पर परंदे तो पर, ये गंडेदार कबूतर है। ये देखो भाई वाह, बस 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 अब आ गया पूरा बॉडी स्ट्रक्चर इसका। आज भाई मैं यकीन से कहता हूँ कि भाई आप लोगों को जो साथ दिया मेरा, आज मुझे इस मुकाम पे ले आए हो कि अर्निंग स्टार्ट होने वाली है स्टार्ट। बस थैंक्स यार आप सभी का, और बस एक काम और कीजिए, मेरे साथ जुड़ते चले जाइए, मैं आपके शौक को और अच्छे लेवल पे ले जाने की कोशिश करूँगा, और अपना जो समय आपके साथ बांटा करूँगा। ये देख लो भाई पर, इसके पंजे दिखा दो एक बार और, शायद दिखा दिए थे ना हमने, ये लो जी मादिन दिखाते हैं इसकी।
और मादिन देख लो भाई, ये एक भाई मैं बोलूँगा अगर किसी भाई को बुरा लग जाए तो माफ़ करना, ये वो मादिन है जो नर के चेहरे पे थूक देती है। इसकी लंबाई देख लो आप चेहरे की और आंखें उससे भी ग्लोरी भाई। वाह फरीद भाई मज़ा बांध दिया आपने। मैं एक यूट्यूबर की बात को रखते हुए कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा शौक रखा हुआ आपने, और मेरा एक दोस्त है आशीष, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी आप तक आ जाए और आपकी वीडियो शूट कर दे, तो वो भी बहुत अच्छे लेवल पर लड़का है। और ये देख लो भाई आज इन आँखों में उड़ान भी है भाई, ये घर तैयार हुए, कलकत्ता वलकत्ता से नहीं आए, मैंने फरीद भाई से पूछ लिया था कोई बाहर से तो नहीं आया, तो ये सारी आँखें इनके घर बनी है। ये वो आँखें जो पीली आँखों से बन के तैयार हुई, ऐसी है फरीद भाई? हाँ जी बिल्कुल, देख लो भाई, तो घर में ही तैयार हो गया तो इस आँखों में उड़ान होगी। तो आप निसंकोच फरीद भाई से बात कर सकते हो, इनके शौक के बारे में पूछ सकते हो, और करीब चलते हैं यार, इस आंखों से ना हटने का मन नहीं कर रहा है। तो भाई आते हैं इसके परों पे और पंजों पे, पर दिखा दो इसके पहले, ये देख लो जी गंडेदार, वाह यही दिखाना है, ये देखो गंडेदार कलपरे कलदुमे, और इसके पंजे दिखा दो आप, ये देखो जी पंजे। टेम्परेचर हाई हो चुका है मेरे फ़ोन का, सुबह का सुबह सुबह ही, ये 16 नंबर रिंग है इनकी। तो भाई मेरे ख्याल से फरीद भाई अगर कोई बच्चा आपका कट जाता या गिर जाता होगा तो लोग देते ही नहीं होंगे? नहीं जी कोई बात नहीं। ये सामने से फ्रंट देख लो जी, आते हैं नेक्स्ट पेयर पे। तो भाई ये देख लो ब्रेड, इसमें भी ना क्वालिटी है, नीचे करो थोड़ा सा, बस 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 बस, देख लो भाई। फरहान भाई फिर से आपका एक बार धन्यवाद कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ, और माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो यार, देखने में बहुत खूबसूरत, और भाई कबूतर भी खूबसूरत दिखा रहे हैं। ये मैं आपको फ्रंट में इस जोड़ा दिखा देता हूँ, अब दिखाता हूँ पहले मादिन की आँखें, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरे को। तो भाई ये देख लो एक और खूबसूरत मादिन, लाजवाब प्यार है भाई, मज़ा ही आ रहा होगा, आप आंखें देखो इनकी। और भाई व्यूअर्स जो भी है ना भाई, जिसको गलत कमेंट्स करनी है तो भाई वो मुझे पर्सनल कर ले, मेरा नंबर ले ले, और जो भी लड़ाइयां करनी है जो बात बोलना वो मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकता है, मैं दिखाता हूँ इसको आपको करीब से। ये देखो जी अब नहीं हिलेगी, नहीं हिल रही ना भाई, देख लो इसे और थोड़ा सा सनलाइट में लाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो फरीद भाई आप ये देख लो भाई, आँखों की क्वालिटी देखो आप, है ना, चमक भी, रेशे भी, सर्कल भी, और सबसे बड़ी बात है ये लंबे चेहरे मोरे की मादिन है, और चेहरे मोरे में ही उड़ान भी है और खूबसूरती भी शानदार है। दिखा दूंगा मैं बैठक तो इकट्ठी दिखा चुका हूँ। अब ये देख लो भाई इसके पल्ला, ये प्योर कलदुमी कलपरी सफ़ा बदन की मादिन है, और इसका नर पंजे दिखा दो आप इसके, और ये रिंग आ गई है, ये भी घर की पट्टियाँ, जो भाई रिंग वाले हैं वो समझ लो घर के बच्चे हैं। ये देख लो आपने मादिन की आँख का शौक कर लिया, अब नर का करा। तो भाई नर देख लो, कुल मिला के फरीद भाई आपने ना जो आँखों का मैचअप किया है, जो कैच किया है ना आपने, अलग ही कर रखा है। लोगों ने बहुत आँखें बना रखी है, बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, लेकिन इस तरह की आँखें और इस तरह के डोरे गजब है, और वो भी उड़ने वाले। आप देख लो भाई इसकी ज़मीन तक देख लो, और इसमें पानी जो शीशे जैसी आँखें होती है ना, चमक वो इसी पानी की वजह से होती है, और इससे ये पता चलता है कि आपका कबूतर बीमार तो नहीं है। आँखों का मेन काम है देखना और नस्ल का पहचानना, आजकल ना सारे खिलाड़ी सबसे पहले आग देखते हैं। बच्चे उड़ाते हैं जी इनका हम, अच्छा कैच करके नहीं रखते भैया। बहुत ही बढ़िया, तो रिजल्ट है कुछ घंटों का बता सकते हैं आप? बहुत अच्छा रिजल्ट है, जवाब मैं इसके पर दिखाता हूँ। ये देखो जी मैं गंडों से स्टार्ट करके सीधा ऊपर आता हूँ, ये इसकी लंबाई चौड़ाई, और ये देख लो जी चार चार परों में रखा हो भाई ने, एक सेकेंड भाई ये कैरी नहीं कर रहा है धूप की वजह से, हो गया। तो आप इसके पंजे दिखा दो फरीद भाई, प्योर जामनी पंजे देख लो भाई, ये भी उसी रिंग में नीले रंग की रिंग है भाई के यहाँ की, अगर कोई पकड़ ले तो मत बताना ठीक है जी आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई ये जो जोड़ा मंगाया ना आप यकीन करो, जो इस कलर के शौकीन होंगे जैसे हमारा गुलाबी डोरों में फुलसरा और ये काटदार नफ्ती मादिन, तो मज़ा ही आने वाला है इस जोड़ों को, आँखों का शौक करने के बाद दिल खुश हो जाएगा। तो फरहान भाई का फिर से एक बार शुक्रिया अब मुस्कुराहट आई है भाई, पता नहीं किस गम में खोए हुए थे, मुस्कुरा के जिया करो भाई, मुस्कुराने में ही ज़िंदगी है। तो नर का शौक कराते क्योंकि खूखार लग रहा है। तो भाई ये देख लो कबूतर भाई, वाह रिंगदार कबूतर, रिंग अलग ही दिख रहा है इसका। तो फरहान भाई कबूतर तो खैर हम वीडियो में सिर्फ आँखें चेहरा मोरा ही दिखा सकते हैं, एक तो भाई क्या बता सकते हो ये इसकी हड्डी जोड़ का कैसा है कबूतर?
भाई इसके हड्डी जोड़ों का, इसके बच्चों का जो रिजल्ट है लगभग 6 से 8 घंटे नॉर्मल उड़ते हैं। शाबाश। हाँ जी देख लो भाई, ये हमारे यहाँ का बहुत अच्छा मतलब बेस्ट कबूतर है, बहुत इसके बच्चे बहुत शानदार। ये ना ये अपनी आंखें और पलकों से चीख चीख के कह रहा है कि कुछ है हम भी यहाँ पर ना। हाँ जी। फरीद भाई ने हमें ऐसे नहीं रखा हुआ, ऐसे दाना निकला रहे, तो ये अपनी वजूद को खुद बयां कर रहा है। तो आते हैं इसके पंजे देखते हैं और इसके पर देखते हैं। और भाई जहरदार कबूतर है, जहर काले पंजे, बैंगनी पंजे, नीले पंजे, जो आपको समझ में आ रहा हो वीडियो के अंदर मुझे कमेंट्स में बताना। एक बार इसके पर खोलो भाई आप, ये देखो भाई पूरा बॉडी स्ट्रक्चर देखो क्या पल्ले का, कलपरा कलदुमा। और आप एक बात ही नोटिस करना भाई, पूरी वीडियो में सारे कलपरे कलदुमे हैं, फुलसरे भी हैं तो वो भी कलपरे कलदुमे हैं। अगर कोई कबूतर रखा है हरा तो वो भी कलपरा कलदुमा मान लो आप, उसके भी पर काले हैं और भवरा भी काला ही है। तो आते हैं मादिन पे, तो भाई ये स्टार्ट कर दिए उसकी मादिन, आप यकीन करो बहुत ही क्वालिटी वाली। इसकी येलो जो रिंग है, जो ब्लैक जो डॉट है उसके आसपास देखो कितनी कम है, खूबसूरत। लोग ना देसी जब पालते थे या पंजाबी पालते हैं, अब तो पाल रहे थे, तो वो ये देखते थे तो ब्लैक डॉट कितना छोटा कितना छोटा, वो चीज़ नोटिस करते थे, वो अच्छे कबूतर की पहचान होती थी। जो हमें ज्ञान है जिसके बारे में हमें पता है भाई, बाकी सभी खिलाड़ी अपने अपनी शोज को अपने साथ रखते हैं। ये देख लो इसकी आँखें गुलाबी डोरे चेहरा। तो फरीद भाई ये मादिन बहुत छोटी है डॉक्टर साहब, हमेशा जोड़ों में ऐसी ही मादिने काम करेंगे जिन्हें बच्चे उड़ाने हैं, और जिन्हें सिर्फ आंखें बना के घर में रखने हैं उनके लिए तो कोई वजूद नहीं रखता, मायने नहीं रखता, फिर तो वो रख लो बस शौक हो रहा है ना। भाई इसके मादिन का छोटा होना चाहिए जिससे बच्चों में यही साइज होना, चाहिए। देख लो भाई गंडेदार नफ्ती कलसरी, नफ्ती कलपरी मादिन, ये इसके ये पर रहे हैं इसके, और आप इसके पंजे दिखा दो, देखो सुख पंजे भाई, बिल्कुल खुश्क पंजे, हाँ खुश्क वो भी है, माफ करना भाई खुश्क बोलते हैं, मैं शुष्क बोल रहा था। ये देखो भाई मज़ा आ गया, आते हैं नेक्स्ट। तो भाई थोड़ा सा मैं इसको ना ये बस 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 आ गया फ्रेम आ गया, कोई नहीं मज़ा आ गया भाई। तो भाई आप देख लो मज़ा ही आ रहा होगा आज, पहले दिखाते हैं आपको मादिन क्योंकि इसका चेहरा बहुत ही लंबा है यार, बहुत लंबा। आप देख लो भाई मादिन गज़ब की मादिन है, गज़ब की। आपको मैं इसके अंदर चलता हूँ, सिंदूरी आँखें हैं, चेहरा मोरा बहुत तगड़ा है, एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसे अच्छे तरीके से दिखा। ये देखो भाई आप बहुत ही खूबसूरत, ये भी गुलाबी डोरों में भाई जोड़ों में रह के जो हल्की हो जाती है पलके, लेकिन आप छीट देख सकते हो इसमें गुलाबी, बहुत ही खूबसूरत। ये डेंजरस फेस लुक है इनका भाई, वाह मज़ा ही आ गया, ऐसा लग रहा नर का शौक करा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन ये मादिन है भाई, और इसके पल्ले और पंजे दिखाता हूँ। तो भाई ये पल्ला देखो गंडेदार है बिल्कुल, इसमें भी लाल चीटे होती है जिससे ये आगे जाके लाल गंडों में भी तब्दील हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये देखो भाई वाह, पंजे दिखा दो भाई इसके आप, बस धूप क्या बस 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 धूप क्यारी हो गई, बस बस यहीं यहीं बस। ये देखो भाई काले पंजे हैं, काली ही चोचे, आते इसके नर की शॉप पे, ये उसमें नर है। अगर मादिन माशाल्लाह है तो नर सुभान अल्लाह भाई। ये देखो इसकी पीली डोरे, और आपको इसको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ और जूम करता हूँ इसकी आंखों को, बहुत ही खूबसूरत आँखें। ए भाई डेंजरस लुक, खोखार चेहरा भाई वाह। आप आँखों का शौक कर लो, चेहरे का कर लो, पलकों का कर लो, हर चीज़ का शौक कर लो इसका। और भाई जो इस कलर और इस बैठक इस साइज़ के दीवाने और मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो यकीन मानना आज उनका शौक बहुत ही अच्छे लेवल पर होगा। जो आपका मैं आधा पौना घंटा लूँगा, लाजवाब लूँगा और खुश मज़ा आ जाएगा। इसके दो पार्ट बनाऊँगा और दोनों पार्टों में आपको ये देखने को मिलेंगे, ये कलर और ये आँखें देख रहे हो आँखें भाई साहब, भाई वाह। दिखा दो भाई इसके पंजे भी दिखा दो आप। तो ये भाई इसकी क्वालिटी है, गंडेदार कलपरा कलदुमा नफ्ता कबूतर, पंजे दिखा दो इसके आप, ये देखो बहुत ही खूबसूरत। आते हैं नेक्स्ट पेयर, तो भाई ये लो सफ़ा बदन के कलपरे कलदुमे, और स्टार्ट करते हैं पहले आपकी मादिन दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत नोजिस मादिन की। पहले तो शौक करो भाई इसके चेहरे का, ये देखो चेहरा, उसके बाद इसकी पलके और वो आंखें जिसमें उड़ान कूट कूट के भरी है, आंखों के अंदर आपको लेके चलता हूँ, बहुत ही लाजवाब क्वालिटी इन आँखों की, वही शौक में आए भाई वाह गजब है यार। टोरे गुलाबी हैं इसकी भाई, और फीकापन इसलिए क्योंकि आप ये अंडे बच्चे करते हैं, ये देखो आप खूबसूरत।
आपको इसके पंजे और परों का शौक कराता हूँ। तो भाई ये देख लो, बहुत ही मुलायम और हल्की सी मादी ने कल्परी कल्दू में। ये परे इसके पंजे दिखाना है फरहान भाई, ये देखो पंजे, पंजों को बस बस कैरी हो गया, ये देखो भाई पंजे। तो फरीद भाई पंजों का भी रोल होता है कुछ पहचानने के लिए। तो भाई ये वो नर आ गया जिसकी आंखों का शौक अब हम कर रहे हैं, और वो जोड़े की मादिन पहले जा चुके हैं। तो हम बात चल रही थी फरीद भाई पंजों से, तो अब एक सेकंड रुकना आप, जब तक भाई रिंग देखो मैं तब तक फरीद भाई से पूछ रहा था पंजों की क्वालिटी का कैसे पता चलता, मतलब पंजों से क्या पता चलता है फरीद भाई बताओ जरा। पंजों से कबूतर की मजबूती का पता चलता है, उसकी उड़ान का पता चलता है, उसकी असलियत का पता चलता है। ये मैं नहीं, मेरे से पहले हमारे दादा का शौक था, ये दादा के बाद चाचाओं ने पाले, मैं तो बिल्कुल नया हूँ शौक। अच्छा, मतलब अभी ये विरासत में मिला हुआ भाई, इसके पर भी खोलो जब तक, तो यूँ कह लो ये अभी विरासत में चल रहा है जी। बस इनके बाद अब मैं ही पाल रहा हूँ ये कबूतर, ये देख लो, और शौक है ये मेरा। शौक तो बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ फरीद भाई अगर शौक करना है ना, कुछ पैसा यहाँ लगा के अपने शांति से काम से आओ, और घर पर इनको दाना डालो और तसल्ली से सो जाओ। बच्चों से प्यार करो, फैमिली से प्यार करो, पहले उनका हिसाब किताब पूरा रखो, फिर शौक को आओ। तो भाई इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त दूंगा सेकंड पार्ट के लिए, भाई से फिर बात करेंगे, सेकंड पार्ट बनाऊंगा। और फरीद भाई हमारे जो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बहुत सारे जोड़े हैं तो एक पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ। फरीद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे ये बातें जानकर के, बहुत से लोग नहीं बताते हैं अपनी बातों को कि जोड़े कैसे बनाना चाहिए, आपने बताया, उड़ान के लिए क्या देखना चाहिए आपने बताया। तो चलते चलते आपसे एक संदेश चाहिए जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए, क्या कहना चाहेंगे जो शौकीन है? मैं यही कहना चाहूँगा जो कबूतरबाजी का शौक़ रखता है, तो घर में नस्ल बनाने में सबसे पहली प्रायोरिटी दे, क्योंकि जो घर की नस्ल उड़ेगी वो खरीदने बेचने से कभी नहीं। तो अच्छा, इसी चलते चलते एक और सवाल जो कि मेरे हर व्यूअर्स पूछ लेते हैं, भाई नंबर बता दो या ये सेल करते नहीं करते, तो क्या हम जोड़े या पट्टे सेल करते हैं? अगर आपसे कोई मोहब्बत में लेना चाहे तो, अपने घर नस्ल बनाना चाहे तो? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कोई शौकीन आदमी मेरे घर आएगा मैं उसका पूरा मान सम्मान करता हूँ। तो भाई आपको नंबर भी दिया जाएगा, और एक बार आप यहीं पर नंबर बोल दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ना पूरी वीडियो देखते हैं। मैं किसी भी शौकीन का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप अपना नंबर बता दीजिए एक बार। मेरा नंबर है 9312-32-87-29। तो भाई ये देख लो भाई का नंबर, और मैं उसमें भी डाल दूंगा, जब मैं टाइटल लगाऊंगा तब डाल दूंगा। तो यहीं पर आपसे जय हिंद जय भारत, और सभी को राम राम, नमस्कार, सलाम, और भाई सभी को रमज़ान फिर से मुबारक, क्योंकि रमज़ानों का टाइम चल रहा है। तो पिछली वीडियो में भी आपको मैंने मुबारकबाद दी थी, सबको मेरी तरफ़ से इसकी जो खुशियाँ सब मिलकर बांटें, सबके साथ अपना रमज़ान जो महीना ये है इसको बांटें, मिलकर मनाएं। और भाई फिर से आपसे इजाज़त लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, नए नौ में। जय हिंद जय भारत।